गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू पिक्स। पार्ट टू में हम लोग आज पढ़ेंगे एफएसके के बारे में, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा? एएसके, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, जिसको आपने डायग्राम के माध्यम से देखा, समझा और जाना। उसका नोट्स भी मुझे लगता है बना ही लिया होगा। पार्ट टू में हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग के बारे में। आइए देखते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में। आइए देखते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट सिग्नल विल बी आइदर हाई और लो। बात सही है, आपका फ्रीक्वेंसी चाहे क्या पता 0 दे दे, क्या पता आपको 1 दे दे, मीन्स क्या पता आपको लो दे दे, क्या पता आपको हाई दे दे। लो और हाई तो आपके हाथ की चीज़ है ना, वो तो चेंज होने वाली है नहीं भाई। डेटा जैसा होगा वैसा आउटपुट मिलेगा, जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट है कि नहीं, जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे, कर्मा है ना। चलिए आगे देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट डेटा, मैं बोल चुका हूँ, वही तो कह रहा है, डिपेंड करता है कि क्या आप दे रहे हो इनपुट में, है ना। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग (FSK) इज़ द डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करियर सिग्नल वेरीज अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रीट डिजिटल चेंजेस। अब ये क्या बोलना चाहता है? ये एक डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है, तरीका है, जिसको फॉलो करके आप लोग क्या करते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। डिस्क्रीट वैल्यू क्या होती है, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर याद है आप लोगों को? थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूँगा आपके मनोरंजन, आपके ऐतिहासिक बात के लिए। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में मैंने आपको 3 कंप्यूटर्स पढ़ाए थे। पहला कंप्यूटर क्या था? हाँ एग्जैक्टली, मैंने पहला ही पूछा, हालांकि हमारी आराध्या बहुत तेज़ है, तीनों ही बता दिया एक सांस में। हाँ, जर्नलिस्ट, इसको जर्नलिज्म बहुत पसंद है। देखते हैं, इसने कहा कि सर एनालॉग, जिसको आप कॉन्टीन्यूस वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका फिक्स नहीं होता, रुकता नहीं है। वोल्टेज हो गया, विंड ब्लो हो गया, हवा हो गई, है ना, फिर आपका एम्पियर हो गया। लेकिन इसके बाद जो फिक्स वैल्यू जिसकी हम बात कर रहे हैं, डिस्क्रीट वैल्यू, वो 0 और 1 से रिप्रेजेंट होता है। यानी अगर 1 सेकेंड है तो 1 ही सेकेंड है, उसमें कोई शक शुबा नहीं है, और जिसमें शक नहीं है उसमें कोई बदलाव की चांसेस नहीं है। यानी फिक्स है तो है, नहीं है तो नहीं है, यस और नो। बढ़िया, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। इसके बाद दोनों के पेयर से मिलकर के बनता है, दोनों के सहमति से मिलकर बनता है हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या बनता है? जिसमें आप कॉन्टीन्यूस और फिक्स दोनों वैल्यू का इस्तेमाल करते हो, मीन्स 0 और 1 भी है, और उसके अलावा आपका फ्लो भी है, आपका डायग्राम भी है, आपका आप चार्ज और डिस्चार्ज भी मौजूद है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, आगे देख लेते हैं। एफएसके इज अ स्कीम ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फॉलोइंग इज अ डायग्राम ऑफ एसके। आइए देखते हैं वेव फॉर्म के बारे में। ये रहा आपका डायग्राम। आप ये सोच रहे होंगे सर ये बिल्कुल पहले वाले जैसा है, पहले जैसा ही, कोई बदलाव तो नहीं दिख रहा। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे थोड़ा सा, तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी। डेटा आपका सरचार्ज जो हो रहा है, जो पास हो रहा है, वो एक वेव लेंथ में है, एक बराबरी में है, और जो गैप उनके बीच में है वो भी इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। यानी वहाँ पर बहुत क्लोजनेस नहीं है। जहाँ क्लोजनेस ज़्यादा हो जाती है रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, पहले भी बता चुका हूँ। जब कोई चीज़, कहते हैं ना गाड़ियों पे, ट्रकों पे भी लिखा होता है कीप डिस्टेंस, मेंटेन डिस्टेंस लिखा होता है, क्लास में भी बोला जाता है मेंटेन साइलेंस। ये सब क्या होता है कि बोलने वाला क्लास में एक ही होना चाहिए, टीचर, और सवाल आपको पूछने वाला होना चाहिए, बातें करने वाला नहीं। आपका मुंह जब भी खुले सवाल करने के लिए, जवाब देने के लिए, अन्यथा बंद ही रहे तो बेहतर है, मौन ही धारण करिए, बिकॉज साइलेंस इज़ पावर। यहाँ पर ये वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा डेटा जैसा भी होगा वो अपलिंक होगा, डाउनलिंक होगा, न्यूट्रल फेज़ में आएगा, लेकिन कहीं पर भी आपस में क्लोज नहीं होगा। उसकी जो गैपिंग होगी वो अनयूजुअल नहीं होगी। कोई बिना दिक्कत के, किसी परेशानी के आप मॉड्यूलेट कर पाओगे। यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल चार्ज, नेगेटिव चार्ज। डेटा आपका फ्रीक्वेंसी के माध्यम से कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ 2 भागों में डिवाइड हो रखा है, जिसको 2 फेज़ बोलते हैं, F1, F2। F1 के पार्ट में जो डेटा आप यहाँ पे देख रहे हैं वो काफ़ी गैप को फॉलो कर रहा है, काफ़ी गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन F2 तक जब वो पहुँच रहा है तो रीडिफाइंड हो जा रहा है काफ़ी ज़्यादा। रिफाइंड होने के बाद अच्छी खासी लेयर बन रही है और वो एक बराबर से सामने वाले तक पहुँच रहा है। फिर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये टाइम क्या बोल रहा है। ये इस डेटा को मॉड्यूलेट करने में, कन्वर्ट करने में, सिग्नल को बनाने में खर्च हुआ समय रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब डेटा वहाँ तक पहुँच जाएगा तो टाइम टेकन भी शो ऑफ होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक बार नीचे आके देख लेते हैं। एफएसके बोल क्या रहा है? द आउटपुट ऑफ एफएसके मॉड्यूलेटेड वेव इज़ अ हाई इन फ्रीक्वेंसी फॉर बाइनरी हाई इनपुट एंड इज़ लो इन फ्रीक्वेंसी फॉर अ बाइनरी लो इनपुट। बता चुका हूँ हाई होगा तो हाई फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, 1 को रिप्रेजेंट करेगा, लो होगा तो 0 को रिप्रेजेंट करेगा। आपके मोबाइल में आ रहा डेटा स्पीड जब कम या ज़्यादा होती है तो बंद नहीं होती है, फिर भी वो 0 KB शो करता है। 0 KB के पीछे भी वो चल रहा होता है बैकग्राउंड में, आपको लगता है कि आपका मोबाइल 0 दिखा रहा है तो डेटा इनपुट बंद हो गया, ऐसा नहीं है। जब आपका रिचार्ज जियो में ख़त्म हो जाता है उसके बावजूद भी आप व्हाट्सएप पे चैट कर पाते हैं, इतना डेटा आपका रहता है, और वो डेटा 0 के ही माध्यम में शो होता है। क्योंकि एक बात बताओ, एक बहुत ज़रा सी कोई चीज़ अगर आ रही है तो आप काउंट करोगे, आपको 1 लाख 2 लाख रुपए इकट्ठा करना है, आप 1-2 का सिक्का जोड़ोगे बैठ के, लेकिन पैसे तो है ना, वो करेंसी है ना, उसके भी मूल्य है, मूल्यवान है वो। यस और नो, बात वही है। आप उसको मिसलिनियस चिंदी बोलते हो, पेनी बोलते हो, क्या बोलते हो, चिल्लर बोलते हो, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद द बाइनरी 1 and 0 आर कॉल्ड मार्क एंड स्पेस फ्रीक्वेंसी। अब इसमें इसको क्या बुलाते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, मार्क और स्पेस फ्रीक्वेंसी। किस में बेटा, मार्क और स्पेस फ्रीक्वेंसी किस में बुलाते हैं हम लोग, FSK में, ASK में नहीं। आई थिंक टॉपिक बोरिंग ना हो इसलिए मैंने आपको 2 सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करना सिखा दिया। कल हम तीसरे के बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप इसका नोट्स बनाएं, वीडियो को बार बार देखें, बोर हो जाएं तो स्पीड बढ़ा लें, 1.25x कर लें। नोट डाउन करते वक्त नॉर्मल रखें, नोट डाउन करने के बाद, समझने के बाद कोई डाउट हो तो डाउट सेशन के लिए कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स टू माई YouTube फैमिली, माई डियर स्टूडेंट, वेलकम एंड हैव अ गुड डे।